ज्वाली में पीलिया से सहमे लोग, मरीजों का आंकड़ा 60 तक पहुंचा। 24 घंटे में आए 25 पीलिया के नए मरीज। ज्वाली इलाके में पीलिया धीरे धीरे एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। रोजाना पीलिया के मामलों में जिस तरह इजाफा हो रहा है, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ज्वाली में एक भयंकर स्थिति बन सकती है। ज्वाली अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को पीलिया के मरीजों की संख्या स्थायी थी और रात को 12 मरीज आए तथा सोमवार को 9 मरीज पीलिया के पहुंचे। अभी मरीजों की संख्या 49 हो गई। SMO ज्वाली डॉक्टर संजीव ने बताया कि पीलिया के मरीजों की संख्या 49 पहुंच गई है, दिनों दिन इजाफा हो रहा है। तक हमारे पास पीलिया के तकरीबन 40 मरीज आए हैं, आज 9 नए और मरीज भी आए हैं, तो टोटल अभी 49 हो गए हैं पीलिया के मरीज। तो इसमें ज्वाली ज्वाली के ही तकरीबन 27 हैं और बाकी जो है वो आसपास के गांव के हैं, जैसे कि ये कैरियाँ का है, चलवाड़ा का है, समखेड़ के हैं, मतलाड़ के हैं, जैसर के हैं, पातन के हैं, है ना। इतने तकरीबन अभी तक 49 हो गए हैं, जिनमें से थोड़ी क्लस्टरिंग हमें ज्वाली में ही मिली है। वार्ड नंबर 6 में 15 पेशेंट हैं, वार्ड नंबर 7 में 8 पेशेंट हैं, तो एक वार्ड नंबर 8 में भी है। ये हैं हमारे ज्वाली के इतने पेशेंट्स। तो सर इसमें कुछ पता लगा भी कि ये जो बीमारी है कैसे फैल रही है? तो प्रिलिमिनरी तो एक्चुअली इसका जो ट्रांसमिशन रूट होता है वो फीको ओरली होता है, दूषित खाना या दूषित पानी से ये बीमारी फैल सकती है। तो अभी तक हमारे पास एक ही बच्चे की रिपोर्ट आई है, तो उसमें हेपेटाइटिस ए आया है और जो पैटर्न है इन्फेक्शन का वो भी हेपेटाइटिस ए को ही फेवर कर रहा है, क्योंकि यंग बच्चे ही इन्फेक्ट हो रहे हैं। 21 साल तक के मैक्सिमम जो बच्चे हैं 21 साल के ही हैं और एक ही है जो 21 प्लस है इन इतने 49 लोगों में से। तो फैलने का तो दूषित खाना या दूषित पानी ही बोल सकते हैं हम, या किसी के घर के आसपास पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, जैसे कि नाली, सीवेज या सेप्टिक टैंक पीने के पानी से मिक्स हो रहा है, या कोई घर में पीलिया का रोगी हो और वही बिना हाथ धोए खाना कुक कर रहा है, और बाकी लोग भी अगर हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, खाने से पहले हाथ नहीं धो रहे हैं, तो इसमें प्रिकॉशन तो हमें यही लेनी है कि जो हम पानी पी रहे हैं उसको रोलिंग बॉयल करें 1-3 मिनट के लिए, उसके बाद उसको ठंडा करके रेफ्रिजरेट करके आराम से अपना कंज्यूम करें। दूसरा, खाना जो है वो सफाई से बनाएं, हैंड वॉश अच्छे से करें, कच्ची फल सब्जी अभी ना खाएं कुछ टाइम, जब तक ये जॉन्डिस का